तो फ्रेंड, आपका सीता की रसोई में स्वागत है। आज मैं आपको घर में ये मैंने खोया बनाया है, 1 किलो दूध का ये खोया है। इसका मैं बर्फी बनाना सिखाऊंगी। इसे मैंने सुखा लिया है, देखिए इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। इसे थोड़ा और ब्राउन करने के बाद आगे का स्टेप बताऊंगी। अभी मैं इसमें कुटी हुई इलायची डाल दे रही हूँ फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये। इसमें मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी, जैसे सूजी बेसन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मावे का बनाऊँगी मैं, और भी घर का बना हुआ मावा है ये। इसमें मैं अब ये मैंने और सुखा लिया, थोड़ा ब्राउन कर लिया है। अब इसमें मैं 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दूंगी मिठास के लिए, और इसको मेल्ट होने तक इसको हम चला लेंगे। फ्रेंड्स, चीनी अब मेल्ट हो गया है, इसे हल्का ड्राई करके फिर हम इसे बर्फी के रूप में प्लेट में निकाल लेंगे सजाने के लिए। इसमें बिल्कुल कोई मिक्स है नहीं, आप बिल्कुल इसे किसी व्रत में खाने के लिए, त्यौहार पर, रक्षाबंधन में भाई के लिए, घर का बना हुआ मिठाई भी आप भाई को खिला सकती हैं। ये बहुत अच्छा रेसिपी मैंने आपको बताया है, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर घर का बना हुआ खोया हो तो बहुत जल्दी ये बर्फी बन के तैयार हो जाती है। ये अब सेट होने के लिए लगभग तैयार ही है। इसमें ज़्यादा कुछ मिक्स भी नहीं होता, बस 2 चीज़ों से मैंने बना दिया, चीनी और खोआ। मैंने इसमें एक्स्ट्रा मैदा वगैरह कोई चीज़ नहीं डाला है, इसलिए ये व्रत के लिए भी अच्छा है खाने के लिए। ये मिक्सचर अब तैयार हो गया है, मैं इसको प्लेट में अब निकाल देती हूँ, गैस का नॉब बंद कर देती हूँ। इसे मैंने सिम फ्लेम पे ही चलाया था और पूरा तैयार किया। इसका हाई मत कीजिएगा ज़्यादा गैस। फ्रेंड, मैंने इसको इस प्लेट में ऐसे लगा दिया है ठंडा होने के लिए। इसे आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी या पंखे के नीचे, और ये हो जाता है ठंडा, फिर मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड, ये आधा घंटा हो गया, अब ये ठंडा हो गया है, मैं इसको अब काट के दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये मैंने बर्फी को काट के सजा दिया है ट्रे में। सावन का महीना चल रहा है, त्यौहार का महीना चल रहा है, और रक्षाबंधन भी पास आ रहा है, तो ये आप घर में दूध से खोआ बनाइए, खोए से बर्फी बनेगी, हेल्दी बर्फी। इसमें एक्स्ट्रा कुछ मिक्स मैंने किया नहीं है, आप ही बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा इसका स्वाद। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। धन्यवाद।